सो हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि वन पंच मैन के पास कौन कौन सी टाइप की पावर्स है, या मतलब उसके पास कौन कौन सी टाइप की पावर्स है, वो क्या क्या कर सकता है, कितना स्ट्रांग है और क्या वो कुकू से स्ट्रांग है। तो यार इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज। तो यार अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं डेली एनिमे रिलेटेड कंटेंट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन पंच अब तक का देखे जाने वाला सबसे सही है और बिगिनर्स और जो कई सालों से देख रहे हैं और जो देख के छोड़ चुके और अब उनको पसंद नहीं, फिर भी वो जाके देख सकते हैं एनिमे को। ये एनिमे उनको फिर से इंटरेस्ट जगा देगा एनिमे में कि यार एनिमे भाई क्या चीज़ थी। जो आज मैं आपके सामने चार पॉइंट रखूंगा इसके बारे में और एक पॉइंट ऑफिशियली कन्फर्म्ड है, वो लास्ट पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट था, पूरा वीडियो देखना। नंबर वन स्पीड। तो भाई साइतामा की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है। तो सीजन वन के 12वें एपिसोड में जो गौरन था उसने साइतामा को तो फेंक दिया था, लेकिन साइतामा ने भाई सिर्फ ने बिना पोटेंशियल को यूज करे, मतलब उसने अपनी कोई स्ट्रेंथ यूज नहीं की, कोई पोटेंशियल यूज नहीं करा, जस्ट अ स्मॉल जंप और वो चांद से सिर्फ 1.5 सेकंड में अर्थ पे आ गया। और अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी वन के अकॉर्डिंग कि ये उसका फुल पोटेंशियल नहीं था, वो बस एक छोटी सी उसने छलांग मारी, मतलब तो उछलने के लिए छलांग मारते वैसे वाली छलांग मारी, तो भाई वो सीधा अर्थ पे आ गया 1.5 सेकंड। तो तुम सोच सकते हो कितना फास्ट है, और ये लाइट स्पीड के बराबर है या मैं कहूँ कि उससे ज्यादा है। तो सोचो यार जब वो उसका फुल पोटेंशियल उसकी स्पीड पे यूज करेगा तो कितना तेज, मतलब कितना तेज हो जाएगा वो। पॉइंट नंबर टू, साइतामा फियरलेस है। यप, उसको कभी डर नहीं लगता, मतलब कभी भी डर नहीं लगता। सीजन वन के लास्ट में तुमको यार देखा होगा स्पेसशिप आता है, बस घुस जाता है उसमें और सबको मारने लग जाता है, सब उससे डरने लग जाता है। इनफैक्ट जो ब्लैक टेंटिकल वाला जो आदमी रहता है या मैं कहूँ जो एलियन रहता है, वो तो उससे कुछ ज्यादा ही डरने लग जाता है, मतलब हद से ज्यादा डरता है वो बंदा उससे। तो कई बार क्या होता है जब आप वन पंच मैन देखते हो, अगर आप नए हो और आपने अभी तक वन पंच मैन नहीं देखा है, तो तुम देखते हो तो देखोगे कि कई बार ऐसा लगे कि अब बहुत टेंस वाली फाइट, अब बहुत खतरनाक लेवल की फाइट होने वाली है, और जैसे ही तुम देखते हो अगले सीन में इसने वन पंच मैन खत्म कर दिया, तो यू लिटरली शॉक कि व्हाट हैपेंड एनिमे, और यू स्टिल लव दिस एनिमे बिकॉज़ इट्स अनप्रेडिक्टेबल कि कब क्या हो जाए। तो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसा है कि उसके ऊपर जो हमारा साइतामा है उसके ऊपर ब्लैक होल काम नहीं करते। तुमने यार वो 12th एपिसोड में देखा होगा सीजन 1 के कि जो ब्लैक टेंटिकल वाला बंदा रहता है वो उसके ऊपर एक ब्लैक होल जितनी पावर लगा देता है, लेकिन लिटरली वो जरा सा भी मतलब एक इंच भी नहीं हिलता है उसकी जगह से। लिटरली शॉकिंग था मेरे लिए भी जब मैं एनिमे को देख रहा था, ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे ना देखते हुए, बस पूछो मत। तो बढ़ते हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो चौथा नंबर का जो हमारा पॉइंट है, ये खुद जो ऑथर है वन, उन्होंने कन्फर्म किया। मैं बता दूं वन कौन है, वन ऑथर है। कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि वन कौन है, तो ये भाई वन ऑथर है, उनकी आइडेंटिटी छुपी हुई है। ओके, तो वन ने खुद कंफर्म करा है कि अगर साइतामा उसके फुल पोटेंशियल को यूज करेगा, फुल पावर को यूज करेगा, तो वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। मतलब कि यस, पूरे यूनिवर्स, इंटायर यूनिवर्स को वो खत्म कर सकता है। तो सोच सकते हो यार वो कोकू से तो 10 गुना पावरफुल ही सही, कि उससे मैं ज्यादा मैं कहूँ। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और यार कई लोग है ना इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आया, 4 बजे तुमने बोला था वीडियो नहीं आया, कैसे क्या हो गया। तो यार मैं बता दूँ कि मैं माय हीरो अकेडमी देख रहा था, तो दरअसल मैं उसको खत्म नहीं कर पाया था, क्योंकि जो इस anime.ru है जिसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ देखने के लिए, तो उस वेबसाइट ने मेरे को बैन कर दिया था कि इस anime.ru में है ना तो वो डाउनलोड करने के लिए VPN लगाना पड़ता है, और तुम VPN के साथ अगर इस anime.ru को खोलोगे तो तुमको तुरंत बैन कर देता है, और मे बी ये 15 या 20 दिन में होता, तो उसने मेरे को बैन कर दिया था। फिर दूसरी जगह पे माय हीरो अकेडमी मुझे अच्छे से नहीं मिल रहा था, मतलब जो एपिसोड मिलते थे तो बोलते थे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा वैसा। तो यार मैं वेट कर रहा था कि ये निकाल दे, तो कल रात में 4 बजे तो मैंने बोला कि भाई मैंने हो गया इनका काम, मतलब ईमेल पे मैसेज आया, तो बस मैं देखने लग गया। तो 4 बजे से मैं सुबह तक देखता रहा, उसके बाद मैं पूरा सीजन खत्म करने के बाद शाम की 4 बज गई। अब भाई वीडियो तो मेरे पास रेडी था, लेकिन एडिटिंग करने के बाद कम से कम देखो 3 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग करने में, तो यार इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया। सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम हमेशा प्रॉपर टाइम पे पर डे 1 वीडियो तो आएगा ही आएगा एनिमे रिलेटेड कॉन्टेंट। और अगर तुम लोग के पास कोई आइडिया हो एनिमे से रिलेटेड या किसी, नीचे कमेंट में लिख देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली तुम लोग मेरा वीडियो पसंद आया होगा।